वो अब तक आपने देखा कैसे ग्रैनी सेंटा क्लॉस को किडनैप करके अपने घर पर बंदी बना लेती है। ये बात डोरेमोन और उसके दोस्तों को पता चलती है। फिर सब लोग निकल पड़ते हैं ग्रैनी के घर पर सेंटा क्लॉस को ढूंढने। फिर वहां पर वो लोग देखते हैं कि ग्रैनी ने सेंटा क्लॉस की सारी शक्तियां छीन ली होती है, लेकिन जैसे तैसे करके डोरेमोन और उसके दोस्त सेंटा क्लॉस को बचा लेते हैं। अब आगे, अरे दोस्तों हम लोग सेंटा क्लॉस को बचाने आए थे और हम लोग यहाँ पर खुद ही फंस गए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि क्रिसमस ईव किसी भी वक्त खत्म हो सकती है और हमें गिफ्ट्स भी तो बांटने हैं आज। अरे सेंटा क्लॉस बेफिक्र रहिए, हम लोग आपको किसी भी हालत में यहाँ से निकाल लेंगे। अगर सब लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे तो हम लोग सेंटा क्लॉस को बचा पाएंगे। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करो। हे दोस्तों, हम लोगों को यहाँ से किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, दो चार स्टोन्स और कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग वेपन ढूंढते हैं, फिर बताते हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा को। यहाँ टकला फोड़ेंगे ग्रैनी और ग्रैंडपा का। हम लोग जल्दी से स्टोन्स कलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग ढूंढते हैं वेपन की। अरे दोस्तों कहीं ऐसा ना हो ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास हम जाए और ग्रैंडपा हमें पहले ही गोली मारते। हे नोबिता, तुम डरपोकों वाली बात करना छोड़ दो, मुझे लगता है वेपन किचन में ही होगा। जल्दी से चलते हैं किचन से वेपन की लेके आते हैं। अरे हाँ जल्दी से वेपन की लेके आते हैं, कहीं ऐसा नहीं यहाँ पर बीच में ग्रैनी और ग्रैंडपा खड़े हो, हमें आराम से जाना पड़ेगा यहाँ से। अरे हाँ डोरेमोन बस पहुंच गए, बस बस ये दरवाजा खोल दिया आप लोगों ने। चलो यार काश वेपन की यहीं पर ही मिल जाए। अभी लग गई मनुष भैया की पनौती, अब देखना हमें यहाँ पर वेपन की मिलेगी ही नहीं। अबे क्या कह रहा है शिनचैन, पर मनुष ये तू देखना अब तो वेपन की यही मिलेगी। वो देखा जाएगा। अरे सलमाड़ी में और चेक कर लेते हैं आखिरी बची हुई है। अरे ये मिल गई हमें वेपन की। अरे मैंने भी तो कहा था ना कि वेपन की यही मिलेगी। अब जल्दी से चल के वेपन निकाल के आते हैं, फिर बताते हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा को। हे शिनचैन, तुमने मेरा डायलॉग किससे पूछ के चोरी किया, मैं बताऊंगा ग्रैनी और ग्रैंडपा को। आने दो अब ग्रैनी और ग्रैंडपा को। इसकी पूछ कहां चले गए ये लोग। अरे पत्थर किसने मारा। ग्रैंडपा को पत्थर मारोगे, आए राम मेरा सर फोड़ दिया इन लोगों ने, कोई तो बचाओ। अरे दोस्तों ग्रैनी को तो हम लोगों ने मार दिया, लेकिन हमारे पीछे ग्रैंडपा लग गया है, अब हम लोग कैसे बचेंगे ग्रैंडपा से। अबे मेरे पास एक आइडिया है, ग्रैंडपा वहां खड़ा है, हम लोग यहाँ से घूम के जाएंगे और पीछे से ग्रैंडपा को मार देंगे। हो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग मुझे बचाने आए यहाँ पर। अरे सेंटा शुक्रिया तो आपका कि हर साल आप हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते हो। हो लेकिन अगर आज तुम लोग नहीं आते तो तुम्हें क्या किसी भी बच्चे को गिफ्ट नहीं मिल पाता। अरे ग्रैंडपा तो एक काम करो, आप सारे गिफ्ट्स मुझे ही दे दो। गिफ्ट्स का नाम भी मत लेना, गिफ्ट सिर्फ मेरे हैं। अरे मेरे को पत्थर मार दिया। दोस्तों अब मजा आएगा, अब हमें ग्रैंड शॉटगन मिल चुकी है, अब आने दो ग्रैनी और ग्रैंडपा को। अरे ये गोरिल्ला भैया बोल पड़े क्या, हमेशा बतोले देते रहते हैं। मैंने ग्रैनी और ग्रैंडपा को मार दिया, अब देखो अब निकली है इनके मुंह से आवाज। हे वो सिर्फ गुल्लेल की वजह से मैं नहीं आ रहा था। गुल्लेल क्या है, बच्चे चलाते हैं, हम चलाते हैं शॉटगन। अब देखो मेरा निशाना शॉटगन से। अरे तुम दोनों लड़ना छोड़ो, ये सोचो कि हम यहाँ से एस्केप कैसे करें, हमने ग्रैनी और ग्रैंडपा को तो मार दिया। अरे हाँ बस एक काम करते हैं, ये वाली विंडशील्ड और तोड़ देते हैं गन से। ये देखो ये टूट गई, अब देखे हमें क्या पता कुछ मिल जाए एस्केप करने के लिए आइटम यहाँ से। अरे दोस्तों यहाँ तो पूरे कांच बिखरे हुए पड़े हैं। अरे नहीं यहाँ से मत कूदना, अरे मुझे कांच से लग जाएगी। अबे रोतड़ू नोबिता, हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा। चलो भाई साहब फ्यूज भी मिल चुका है हमें, यहाँ पर फ्यूज पड़ा है और ये देखो क्रोबार भी पड़ा हुआ है। चलो अब क्रोबार से डब्बे खोलते हैं दोनों। अरे हाँ फिर हम लोग एस्केप कर लेंगे और सेंटा फिर सारे बच्चों को गिफ्ट्स बांटने जा सकते हैं। हो जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं सारे बच्चों को गिफ्ट्स देना चाहता हूँ और क्रिसमस ईव भी खत्म होने वाली है। हे ग्रैंडपा आप बेफिक्र रहिए, हम आपको किसी भी हालत में यहाँ से निकाल देंगे। सबसे पहले तो मैं इस रोबोट को ठिकाने लगाता हूँ। अरे गन्स की गोलियां ही खत्म हो गई है। चलो जल्दी से पहले चल के डब्बे खोलते हैं। तो गाइस ये है हमारा डब्बा, तो अब इसको हम लोग खोलेंगे। अरे वाह यहाँ पर तो हमें जनरेटर केबल मिल गई और नीचे फ्यूज पड़ा है। अरे वाह मजा आ जाएगा अब तो। अरे हाँ शिनचैन फ्यूज मिल गया, जनरेटर केबल मिल गई, अब हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है वो है शेड की। शेड की मिल जाए तो हम दोनों को लगा सकते हैं। मेरे होते हुए तुम्हें शेड की तो क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा और ग्रैंडपा के सारे तोहफे यही पर बंद होके रह जाएंगे। ग्रैनी हम लोग सेंटा को यहाँ से निकाल के रहेंगे और वो भी तेरे सामने। ग्रैनी तुमने मेरी शक्तियाँ छीन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, देखना हम लोग जीतेंगे और सारे बच्चों को हम लोग गिफ्ट भी बांटेंगे। अरे दोस्तों पहले हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो अब ग्रैनी उस साइड गई है, हम लोग फटाफट से यहाँ से निकल जाते हैं। अरे क्यों डोरेमोन भैया, हम लोग डरते हैं कि ग्रैनी से। आने दो ना ग्रैनी को, बताते हैं हमारे पास तो गन है। अबे जैसे बिना नाड़ा पजामा कोई काम का नहीं होता ना, वैसे ही बिना गोली के गन भी कोई काम की नहीं है। वाह वाह क्या शायरी मारी है। चलो यार फटाफट से गोलियां लेके आते हैं, फिर हम लोग बताते हैं
ग्रैनी को। अरे ग्रैनी जिंदा हो गई है तो मतलब ग्रैंडपा भी जिंदा हो गया होगा। अबे ये बात तुम्हें अभी पता चल रही है डोरेमोन, ग्रैंडपा भी जिंदा हो चुका है। अरे मतलब ग्रैनी और ग्रैंडपा को ले आप घूम रहे हो और हमारे पास गन में गोलियां भी नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बंदूक मुझे दे दे भैंस की। अरे ये क्या गोली से उड़ा दी? अरे मुझे ये देखो नोबिता, तुम्हारा एक डर तो खत्म हो गया और नीचे ग्रैनी, उसको भी हम लोग समाप्त करके आ जाएंगे। पहले हम लोग ग्रैनी के कौए को निपटा के आते हैं। क्या कहा, ग्रैनी के पास कौआ भी है? अरे हाँ सेंटा क्लॉस, ग्रैनी के पास कौआ भी है, वो भी पालतू और वो भी ग्रैनी की तरह ही है, हॉरर कौआ। अरे हाँ हाँ सेंटा क्लॉस, और उसी कौए को हम लोग खत्म करने वाले, क्या पता हमें नीचे की शेड की मिल जाए इसके पास। हे दोस्तों, इसके नीचे तो शेड की ही है, जल्दी से उड़ा देते हैं कौए को। अरे वाह, हमें शेड की भी मिल चुकी है। ये शेड की क्या है भला? अरे सेंटा बस ये सोचो, हम लोग यहाँ से कुछ ही समय में एस्केप करने वाले हैं। अरे हाँ हाँ सेंटा क्लॉस, हम लोग किसी भी वक्त यहाँ से एस्केप कर सकते हैं क्योंकि हमें लगभग सारी चीजें मिल चुकी हैं इस ग्रैनी के घर से बाहर निकलने के लिए। अरे हाँ सेंटा क्लॉस, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, सारे गिफ्ट्स मुझे ही देना। हे क्या कहा तुमने शिनचैन, तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं मिलेगा, गिफ्ट सारे मुझे मिलेंगे। अबे तुम्हें शिनचैन को सबको मिलेंगे गिफ्ट्स, बेफिक्र रहो, बस अब एक बार सेंटा क्लॉस को हम लोग यहाँ से निकाल ले। हाँ, बस हमें यहीं से कूदना है, यहाँ से हम लोग कूद के फटाफट से शेड की उठा के शेड को खोल लेते हैं। अरे दोस्तों, तुमने एक बार फिर से मुझे यहाँ पर लटका दिया, कहीं हम लोग गिर जाएंगे और हमें चोट नहीं लग जाए। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्लीज नहीं। अरे ये क्या हुआ? हे डरपोक नोबिता, तुम भी बार बार डरते रहते हो, देखो हम लोग कूद गए ना यहाँ से, अब हमें फटाफट से यहाँ पर शेड की ढूंढनी है। पहले इस पजामे को नाड़ा दे देते हैं, मेरा मतलब है गन में गोली बन लेते हैं। अरे मेरा ही डायलॉग मार रहे हो क्या तुम? चलो कोई बात नहीं, मार लो फटाफट से शेड की ढूंढे हम लोग। अरे हाँ हाँ, बस शेड की ही ढूंढनी है हमें, और नीचे फ्यूज पड़ा हुआ था और केबल भी पड़ी हुई है, मतलब हमारा एस्केप पूरा कंप्लीट हो ही चुका है दोस्तों। हो, और क्रिसमस ईव खत्म होने में केवल 10 मिनट है और हमें 10 मिनट में यहाँ से निकलना ही होगा। अगर हम लोग 10 मिनट में यहाँ से नहीं निकल पाए तो क्या होगा सेंटा? हो, तो इस साल किसी भी बच्चे को कोई भी गिफ्ट नहीं मिल पाएगा और उनका क्रिसमस भी पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। अरे ऐसा होगा तो बहुत होगा। अरे हाँ दोस्तों, उनका क्रिसमस भी पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। अरे वो देखो, वहाँ पर ग्रैनी आ रही है। ओह नो, सबका क्रिसमस वैसे ही बेकार होगा क्योंकि तुम लोग इस घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाओगे। हे ग्रैनी, हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे और जाके ही रहेंगे, ये फटाफट से हम लोग गन से उड़ा देते तुझे। अरे वाह मनोज, क्या निशाना लगाया, ग्रैनी मर गई। चलो अब फटाफट से फ्यूज ले आते हैं हम लोग। अरे गोली भी भर लेते हैं हम लोग फटाफट से, कहीं ग्रैंडपा नहीं आ जाए फिर से। हे दोस्तों, जल्दी से चलते हैं नीचे, और ग्रैंडपा आए ना तो मुझे बताना, मैं चलाऊंगा गोली। जब ग्रैनी आई तब मुंह से आवाज निकली नहीं और ग्रैंडपा की बातें कर रही हूँ। हे क्या कहा तुमने शिनचैन, तुम बहुत बोलने लगे हो, तुम्हें तो मैं घर से बाहर निकल के बताता हूँ। मुझे क्या बताओगे, पहले खुद तो सीख लो डरपोक कहीं के। अरे हाँ चलो, अच्छा है तुमने मेरे अलावा किसी और का नाम भी डरपोक रख दिया। अबे तुम लोग अपनी लड़ाई करना बंद करो, हमें ये देखो केबल भी मिल चुकी है, अब चल के फटाफट से लगा देते शेड में ये केबल। हो, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा क्योंकि क्रिसमस ईव खत्म होने में केवल 5 मिनट बचे हैं, हमें किसी भी हालत में इस घर से 5 मिनट में निकलना ही होगा। अरे सेंटा क्लॉस, अब आप बेवकूफ रही है, हम आपको इस घर से निकाल के ही रहेंगे किसी भी हालत में। हो, क्या कहा तुमने, मुझे बेवकूफ कहा? अरे नहीं नहीं सेंटा, ये बेवकूफ नहीं, बेफिकर कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप बेफिकर रही है, हम लोग आपको किसी भी हालत में यहाँ से निकाल के ही रहेंगे 5 मिनट के अंदर ही अंदर। ये देखो हम लोगों ने केबल तो लगा ली, अब सिर्फ हमें फ्यूज लगाना है ऊपर जाके। अरे हाँ हाँ, बस हमें ऊपर जाके फ्यूज लगा के बटन ऑन करना है और दरवाजा खुल जाएगा, फिर हम लोग ग्रैनी के घर से एस्केप कर लेंगे। ये उठा लिया हमने फ्यूज, अब चलते फटाफट से ऊपर। अरे दोस्तों, हमारे पास तो गन ही नहीं है, कहीं ग्रैनी और ग्रैंडपा आ गए ना इस वक्त तो हमारी केयर नहीं होगी। हाँ फिर कर दे फालतू की बात है ना, फिर कर दे मनुष वाली बातें है ना, और आ गए ना ग्रैनी और ग्रैंडपा, सच में मैं तेरे ऐसा हाल खराब करूंगा। अरे अब क्या आएंगे ग्रैनी और ग्रैंडपा, ये हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, ये लगा दिया हमने फ्यूज और ये बटन दबाए और गेट खुल चुके हैं दोस्तों। अरे वाह दोस्तों, अब हम लोग फाइनली ग्रैनी के घर से निकल पाएंगे। अरे वाह, बहुत ज्यादा ही मजा आ गया, चलो सेंटा मैंने आपको आकर बचा ही लिया। हे क्या कहा तुमने नोबिता? अरे डोरेमोन, ये देखो ना जियान मुझे मार रहा है। हाँ तो मारे नहीं तो तुम्हारी आरती करें, जो तुमने बोला है तुमने बचाया सेंटा को अकेले ने। अरे नहीं नहीं सेंटा, हम सबने मिलके आपको बचा ही लिया। हो हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबका, तुमने आखिरकार मुझे बचा ही लिया वक्त रहते वो भी। हो अभी भी क्रिसमस ईव खत्म होने में 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट में मैं सारे गिफ्ट्स बांट के आता हूँ। हाँ सेंटा क्लॉस, बस हम लोग ग्रैनी के घर से बाहर जा ही रहे हैं, ग्रैनी को अलविदा तो कह दो सेंटा। हो, ये ग्रैनी की बच्ची सोच रही थी कि ये बच्चों की खुशियां छीन लेगी, जब तक डोरेमोन और उसके दोस्त है तब तक ग्रैनी किसी भी बच्चे की खुशी नहीं छीन सकती। अरे ग्रैंडपा, हमने सोचा था सारे बच्चों की खुशियां छीन
छीन लेंगे और किसी को भी क्रिसमस मनाने ही नहीं देंगे, ये तो उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हो मनोज, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। अरे सेंटा क्लॉस कुछ नहीं, बस यार आप सारे व्यूअर्स को कह दो कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट भी कर दे मनोज ओपी। हो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो मनोज ओपी मेरी तरफ से मनोज को क्रिसमस के लिए गिफ्ट। सुना दोस्तों, फटाफट से करो तो सेंटा क्लॉस। बाय बाय। हो बाय बाय मनोज डोरेमोन और सबको। बाय बाय सेंटा। बाय बाय सेंटा क्लॉस।